देखिए, अगर आप अभी से ना आप सोच रहे हैं कि आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर सके और अपने एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए आप अभी से स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से पढ़ें, क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि यही चीज़ें, अगर आप अभी से स्टेप्स बढ़ाएंगे, यही चीज़ें हमें आगे सक्सेस की ओर ले जाती हैं। और अगर बाद में अभी आप सो जाएं और बाद में सोचें एग्ज़ाम के एक महीने पहले कि हम हाउ टू बिकम टॉपर इन वन मंथ, है ना, एक महीने में टॉपर कैसे बने। अगर ऐसा हो जाए कि एक हफ्ते और एक महीने में टॉपर बन जाए, तो कोई एक साल की स्टडी क्यों करे, कोई स्कूल क्यों जाए, अपना टाइम वेस्ट क्यों करे, राइट। तो अगर आप अभी से ना सोच रहे हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है। और आज मैं आपके साथ कुछ स्ट्रैटेजी और स्टडी प्लान आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा इनिशियल लेवल पे नए सेशन की आप तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रथम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशनल में। देखिए, जैसा कि अब आप नए सेशन की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, नए सेशन की पढ़ाई करेंगे, सारी चीज़ें आपके लिए नई होंगी, तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, जो कि की पॉइंट है, एक ब्रेन बोल सकते हो, ब्रेन है, वो है सिलेबस। अगर आप सिलेबस को अच्छे तरीके से अध्ययन कर लें, अच्छे से स्टडी कर लें, जान लें कि सिलेबस में क्या आना है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है सिलेबस में, क्या क्या है, और फिर इसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, उसके हिसाब से क्या सिलेबस है, उस चीज़ से अगर आप सिलेबस को पढ़ लेंगे ना, तब आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सिलेबस को, हम सिलेबस को पढ़ लें कि आखिरकार हमें पढ़ना क्या है। अब देखिए, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, पूरी चीज़ें आपकी केवल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगी, ठीक है। तो अब जब आपने सिलेबस देखा, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ नया ना आपके लिए, सब सारी चीज़ें नई लग रही हैं। अब आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में आनी है, वही चीज़ें आपको पढ़नी है। अब आप वो चीज़ कैसे जानोगे कि आपके एग्ज़ाम में कैसा आएगा, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है गेट प्रिंटेड पीवाई क्यूज़ बुक। जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रहे हैं, उन क्वेश्चन पेपर को उठाओ और उसकी एक बुक रख लो, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक ही रख लो, और उन्हें ऑब्जर्व करो प्रॉपरली, ठीक है, कि मोस्ट रिपीटेडली क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं, सबसे जो कि क्वेश्चन रिपीट करके, मतलब वही क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है, शॉर्ट टाइम में पूछ रहा है, लॉन्ग टाइम में पूछ रहा है, उन्हीं क्वेश्चन को रिपीट करके पूछ रहा है, तो वो टॉपिक आपको पूरी कमांड बना लेनी है उस टॉपिक में। रिकॉग्नाइज एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न को पहचानो कि किस टाइप के क्वेश्चन किस सेक्शन में रख रहा है, ठीक है, पैटर्न क्या है क्वेश्चन को पूछने का। इस तरीके से आप पूरे सिलेबस को, पूरी स्टडी को पहचान जाओगे, और इसके बाद जब स्टडी करोगे, सिलेबस पढ़ोगे, तो बहुत ही आसान चीज़ें लगेंगे और किसी भी एग्ज़ाम में टॉप करना बहुत आसान हो जाएगा, अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे। आपको क्या करना है, सिलेबस को पढ़ना है, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर उठाना है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से एग्ज़ाम पैटर्न को समझना है, क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, और उन क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन को उठाओ और उनकी थ्योरी, उनके कॉन्सेप्ट, उनके सारे कॉन्सेप्ट को आपको स्टडी करना है। वो चीज़ कहलाती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग स्टडी करना। अब देखिए, स्टडी करने के लिए बुक्स होती हैं, एनसीईआरटी बुक्स होती है और समथिंग एल्स, कुछ और बुक्स भी होती हैं, ठीक है। तो अगर स्टेट बोर्ड से हो तो एनसीईआरटी आपके लिए सफिशेंट है, लेकिन अगर आप सीबीएसई से हो तो एनसीईआरटी है, और इसके साथ साथ जो भी आपके रेफरेंस बुक जो आपके टीचर सजेस्ट करेंगे, वो बुक आप जो हो तो ऑप्ट कर लेना, इससे आपको हेल्प मिलती है आपके फर्दर एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। अब चाहे आप बुक से पढ़ो, चाहे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ो, मैं वही बता रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, चाहे आप बुक से पढ़ो, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ो, आपको ज़रूरी केवल इम्पॉर्टेंट है केवल सिलेबस और पीवाईक्यूज, बस कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। सिलेबस देख लिया, क्या सिलेबस में आएगा, चाहे तुम बुक से पढ़ो, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, क्योंकि एग्ज़ाम में ये नहीं देखता कि तुम कहाँ से पढ़ के आए हो, वो देखता है कि क्या चीज़ बच्चे ने लिखा है। तो चाहे तुम बुक से पढ़ो, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ो, राइट। अब वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ और है कि मेक योर ओन नोट, खुद की रिटेन नोट्स ज़रूर बनानी है, क्योंकि अभी तो अगर आप पढ़ लोगे, अगर आप ही आप थ्योरेटिकल, अगर आप ऐसे लेक्चर मेथड से अगर आप पढ़ लोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, तो अभी तो मान लो याद रहेगा, लेकिन कुछ दिन बाद आपको अगर रिवाइज़ करना होगा,
तब आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। इससे अच्छा जब आप पढ़ाई करें तो नोट्स बनाते जाएं, और जब आप नोट्स बनाते जाएंगे तो दोबारा जब आपको रिवीजन करना होगा तो रिवाइज करने के लिए जब आप उस नोट्स को उठाएंगे तो उसी सेक्शन से उठाएंगे, उसी एनवायरनमेंट से उठाएंगे कि इतनी चीज़ें मैंने पढ़ी थी, इस तरीके से मैंने पढ़ी थी, इस आइडिया से मैंने पढ़ी थी, तो वहाँ से ना रिवीजन करना आसान हो जाता है। इसलिए आपको सेल्फ नोट्स ज़रूर बनानी है। अगली चीज़, जो भी आपके फार्मूला हो गए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, डिफरेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, इन सब की बढ़िया बेहतरीन शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनानी है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स इन द सेंस कि छोटे छोटे पॉइंट में, मतलब अपने लैंग्वेज में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्कूल में चेक करवाने वाली नोट्स, अपनी लैंग्वेज में वो नोट्स बनानी है जिससे कि आप पहचान सके किसी आंसर को कि इस आंसर में इस लाइन का मतलब क्या है, इस छोटे से कीवर्ड से मैं पूरे आंसर को कैसे लिख सकता हूँ, ऐसी कहलाती है शॉर्ट नोट्स। तो इन सारी चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जरूरी, ये चीज़ें ना आपको टॉप करने में हेल्प करती हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फार्मूला, डायग्राम, डिफरेंस इंपॉर्टेंट, ये वेरी मोस्ट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और जो भी पढ़ें, समझना, जो भी पढ़ो आप, एवरी सेकेंड वीक आपको उसको रिवाइज करना है। ठीक है, एवरी सेकेंड वीक आपको रिवाइज करना है। जैसे अगर आपने इसे पढ़ा, एक कोई टॉपिक, उसे सेकेंड वीक में आपको पढ़ना है, फिर उसके नेक्स्ट सेकेंड वीक में भी आपको रिवाइज करना है। ऐसे रिवाइज करते रहोगे तो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ, डैम श्योर एग्ज़ाम में आपसे कभी भूल ही नहीं सकता यार, ये एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रहा हूँ आपको। तो समझ में आया चीज़ें, आपको सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस उठाना है, PYQs उठाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह की शॉर्ट नोट्स बनानी है, खुद की नोट्स बनानी है, और अच्छे से स्टडी करना है मन लगा के। इसके बाद हर सेकंड वीक में आपको रिवीजन करना है। ये चीज़ हो गई आपकी स्ट्रेटजी। अब स्टडी प्लान कैसे कर सकते हो कि आप खुद का टाइम टेबल बना लो, ठीक है, और कम से कम 2 से 3 घंटे की लगातार की स्टडी करो। मतलब 2 से 3 घंटे की लगातार स्टडी, मतलब बीच बीच में ब्रेक, बीच बीच ब्रेक होता है, एक 45 + 15, 15 मिनट स्टडी और 15 मिनट का ब्रेक, 15 मिनट के ब्रेक में से 10 मिनट का ब्रेक ले लो, 5 मिनट आपको रिवीजन करना है जो भी आपने 45 मिनट में पढ़ा। ठीक है, 45 मिनट में जो भी आपने पढ़ा उस 5 मिनट में आपको ब्रेक रिवाइज करना है। ठीक है, इससे आपको स्टडी इफ़ेक्टिव होती है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको टू डू लिस्ट ज़रूर बनानी है। जैसे अगर आपको कल, मतलब आज रात हो गई, अब कल आपको क्या पढ़ना है उसको पहले से रिटर्न लिख लो कि ये टॉपिक्स मुझे कल पढ़ने हैं, आज रात को लिख के रख लो। इससे आपको जब आप उठोगे ना तो कंफ्यूज नहीं रहोगे कि मैं क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ। क्या है ना कि जब हमारे पास प्लान नहीं होता कि मैं क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, तो इसी वजह से हम नहीं पढ़ पाते, ऐसे हम डिले करते रहते हैं, टालते रहते हैं, कह रहे यार कल पढ़ेंगे। लेकिन अगर हमारा क्लियर है कि हमें आज ये पढ़ना है तो हम उठाएंगे सीधे पढ़ने बैठ जाएंगे। तो टू डू लिस्ट बनानी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, इसे ज़रूर फॉलो करना। और एवरी डे 5 PYQs ज़रूर पढ़ना है, 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर पढ़ना है डेली बेस पे। और लास्ट पॉइंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को काम करने के लिए, चाहे वो स्टडी हो, चाहे कोई वर्क हो, चाहे कोई बिजनेस हो, कोई एग्ज़ाम निकालना हो, केवल 2 ही चीज़ें ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, धैर्य रखना है। ठीक है, धैर्य रखो कि सारी चीज़ें हो जाएंगी, बस टाइम लगेगा। और कंसिस्टेंसी, मतलब ये नहीं कि आज तुमने 5 क्वेश्चन पढ़ लिए, फिर कल 5 पढ़ लिए, 2-3 दिन तक फिर पढ़े ही नहीं तुम। ठीक है, भले तुम कम क्वेश्चन पढ़ो लेकिन रेगुलर बेस पर पढ़ो, डेली कंसिस्टेंसी बना के रखना है। उन्होंने, संदीप महेश्वरी जी ने एक चीज़ बोली है कि ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना है। ना हमको एक दिन में 10 क्वेश्चन पढ़ लेने हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा, ना हमें केवल रुक जाना, बिल्कुल सही रुक जाना, बस 2 क्वेश्चन ही पढ़ें, 5 क्वेश्चन ही पढ़ें, लेकिन डेली पढ़ना, कंसिस्टेंसी बना के रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आपको लीड करेगी आपको सक्सेस के लिए। सो आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।